क्या क्या करना है। मैं स्लाइड पे जाता हूँ, ये करके हमारा ये हो गया जी पॉइंटर। अब माउस नज़र आ रहा है ना आपको क्या क्या हो रहा है। हाँ उसमें तो आता था बिल्कुल, वो तो क्योंकि मेरी साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेरी साइड पे तो माउस मूव करता है। लेकिन अब मैं, अब आपको उधर भी नज़र आएगा जब मैं ये देखो, आप एक स्मॉल सा डार्ट मूव करता है, नज़र आता है। हाँ बस ठीक है, यही मेरा अभी माउस है क्योंकि वो हमने स्लाइड शो किया है इसलिए वो डार्ट सा नज़र आता है। ठीक है जी, हम पहले अपने दो डोमेन कंट्रोलर खड़े करेंगे आज। पहला एक डोमेन कंट्रोल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका दूसरा जो हम पैरेलल बनाएंगे। इनकेस हमारा एक डाउन होता है कंपनी में तो ट्रैफिक दूसरी ले लेगा, अगर वो दूसरा वाला डाउन होता है तो पहले वाला, यानी कि हमें फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाएगी यार। ठीक है ना, हम उसकी करेंगे हमारे डोमेन कंट्रोलर की। नेक्स्ट में जाता हूँ तो हम एक जो है ना बिल्डिंग द ब्रेन ऑफ द टेस्ट नेटवर्क इंस्टॉल करती है पूरी एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है जी, इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रोल इज डन फ्रॉम सर्वर मैनेजर यूजिंग द रोल एड। हम उससे जाके रोल एडिंग से इसको एक्टिव डायरेक्टरी का जो फर्स्ट सर्विसेज रोल है हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम DSGC प्रोमो आगे। ठीक है, नेक्स्ट गेस कहता है ओके जी लेट्स इंस्टॉल द फर्स्ट डोमेन कंट्रोल। चलें जी हम अपना पहला जो है वो डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज करने के बाद हम डबल चेक करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को। उसके बाद जनाब मैं अपना VMware इंस्टॉल स्टार्ट करता हूँ। अब माउस नज़र आ रहा है ना आपको, चलें सही है। ठीक है जी, हम लोग क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं चाह रहा था आपको यहाँ से भी जो है ना आपकी आईज वहाँ पे मूव करनी चाहिए जिस पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, बात का तो होता है मैं ऐसे कह रहा होता हूँ कि ये पावर है ऑन दिस वर्चुअल मशीन, मैं ऐसे ऐसे माउस को कर रहा होता हूँ तो वो बात को स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि यार कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आपके पूरे नेटवर्क में 40 आपके डोमेन कंट्रोलर 2003 के चल रहे हैं और एक आपका ये चल रहा है 2008 का, तो आपने 2003 वाला सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके 40 जो हैं 2008 चल रहे हैं और एक 2002 का चल रहा है, तो फिर भी आपने 2002 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, सबसे ओल्ड वर्जन वाले को आप सिलेक्ट करेंगे तो कम आप आगे जो है उन सब के साथ मैच कर देगा, लेकिन अगर आपने एडवांस वाले आपस में फंक्शन लेवल रखा तो पुरानों के साथ मैच नहीं करेंगे। हाँ वो सिलेक्ट करना है अगर आपके नेटवर्क में है तो। अभी जैसे हम 2008 पे ही कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन लेवल 2008 ही रख देते हैं क्योंकि हमें और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2003 भी नहीं है हमारे नेटवर्क में और वो भी नहीं। ठीक है जी, मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वो देखो उसने तीनों ऑप्शन DNS सर्वर ग्लोबल कैटलॉग ये दोनों बनेंगे इसके ऊपर। जब भी कोई DC कंप्यूटर बनता है तो उसके ऊपर एक ग्लोबल कैटलॉग होता है, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है आगे मैं बताऊँगा। गूगल हाँ ठीक है ना, रोल्स पे हम जाएंगे। अभी ये कैलकुलेशन करेगा सारी। ठीक है ना, उसने कहा जी एक्टिव डायरेक्टरी होगी और आपका DNS हमने इंस्टॉल कर दिया। देखा ना, एक्टिव डायरेक्टरी और DNS हमने दोनों इकट्ठे किए थे साथ ही जब हमने DC प्रोमो मारा था उसके अंदर ही। ठीक है, मैं अगर एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँ, एक्टिव डायरेक्टरी में थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करूँ यहाँ पे, तो एक उसने ये देखो यूज़र एंड कंप्यूटर का उसका दे दिया। मैं यूज़र कंप्यूटर पर जाऊँ तो ये हमारी डोमेन है, डोमेन ये test.com पे मैं यूज़र पे क्लिक करूँ तो यूज़र में देखूँ तो ये हमारा शहजाद है और ये बिल्टन एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, मैंने अगर राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, हम कर लेते हैं जैसे बिग बॉस। ठीक है जी, मैंने रीनेम कर दिया। कहता है जी ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट हम इनको कहते हैं, ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रिप्रेजेंट द करंटली लॉग्ड इन यूजर। कहता है एडमिनिस्ट्रेटर आपका करंट रेडी है और बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना दूसरा डोमेन कंट्रोलर खड़ा करते हैं। ठीक है जी, हाँ पैर ठीक है ना, वो हम जाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद जनाब मैं आपको हम करते हैं कि हमारा दूसरा डोमेन कंट्रोलर की मैं स्लाइड ज़रा देख लूँ। ठीक है जी, ये हो गया पहला और इसके बाद हो गया हमारा। ठीक है जी, ओके लेट्स इंस्टॉल दी सेकंड डोमेन कंट्रोलर। ठीक है ना, ताकि ये दोनों जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर अपनी डेटा बेसिस एक दूसरे को शेयर करेंगे। ठीक है ना, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ यूज़र, तो ये कहेगा इसको हेलो मेरे ऊपर, मेरे इधर एक यूज़र बना है नया, कॉपी करना है। वो कहता हाँ दे दो। कहता अगर तुमने ये चीज़ दिया, अच्छा मेरे भी इधर दो फोल्डर बन गए हैं वो यूज़ तुमने कॉपी करने हैं, वो तो कहेगा अच्छा दे दो मुझे। तो ये आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है ना, हाँ बिनो दोनों, अगर एक हमारा डाउन हो जाएगा तो दूसरा उसको अप कर देगा, हमारा ऑफिस का नेटवर्क बैठ।